हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे, घर पे सेफ होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट साथ ही में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, टेंथ क्लास एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है, बोर्ड क्लास है, आप लोगों का करियर डिसाइड करने वाली क्लास है, टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, तो इसे वेस्ट मत करना, ठीक है? तो टाइम पे, जैसे चलो ठीक है ये क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन साथ ही में पढ़ाई भी करते रहना, ठीक है बच्चों? तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को। हमारा चैप्टर था लाइट, और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा किसके बारे में, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी लेंसेज के बारे में। तो आज हम बात करेंगे लेंस से इमेज किस तरीके से बना है, उसके लिए कोई रूल्स है तो उन रूल्स के बारे में बात करेंगे, और एक मिरर के बारे में बात करेंगे, या तो कॉन्वेक्स की बात करेंगे या कॉनकेव की बात करेंगे कि इमेजेस किस तरीके से बनती है, करना तो हमें पूरा ही है, तो देखते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है? हेडिंग आप लोगों को यहां पे है रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय लेंस, ठीक है बेटा? ध्यान रखना, अब वो लेंस है कॉन्वेक्स हो जाए कॉनकेव, वो दोनों के रूल सेम होंगे। जैसे अपन ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर में क्या था, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, रूल सबके लिए सेम थे। रूल्स क्या थे बेटा? सबके लिए सेम थे। तो ध्यान रखना, रूल्स को एक बार समझना है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उसके बाद में बहुत ईजी रहेगा, बस रूल्स याद रखना, ठीक है? पहला रूल, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा लेंस, ठीक है, लेंस हो गया। पिछली बार हमने किसकी बात करी थी, कॉनकेव मिरर के थ्रू बात करी थी, तो यहाँ पे लेंस में कॉन्वेक्स ले लेते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा क्या बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, और ये उसकी मीन लाइन हो गई, ठीक है, इंडेक्सिव लाइन हो गई, ठीक है? यहाँ पे मैंने बोला ये है एफ, और ये मैंने बोल दिया ये भी है एफ, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट रूल जो हमने किसके अंदर पढ़ा था बेटा, हमने बात करी थी किसके अंदर, लेंस मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए, कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से निकलती थी उसके अंदर, कहाँ से निकलती थी, फोकस से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई भी लाइट रे लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो आफ्टर दी रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। तो देखो इस तरीके से निकलेगी, ये पैरेलल आई है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी और कहाँ से पास हो जाएगी बेटा, फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। अगेन मैं बोलूँगी यहाँ से कोई एक पैरेलल लाइट रे आ रही है, ठीक है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास हो जाएगी बेटा, फोकस पॉइंट से। बात समझ आई? पहला रूल, वेन एवर अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, पहला रूल, ठीक है। सेकेंड रूल की बात करते हैं हम लोग, वॉट इफ कि मैं फॉल ही जो है इंसिडेंट सी है, जो मैं क्या करवा रहा हूँ, फोकस से करवा रहा हूँ, कुछ ऐसे, सॉरी ये इतना ज़्यादा नहीं बनाना अपने को, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक लेंस बना दिया, ठीक है बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है फोकस पॉइंट और यहाँ पे भी हमारे पास है बेटा फोकस पॉइंट। अब लाइट रे इंसिडेंट कहाँ से हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से हो रही है, ठीक है? तो जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है? मैं अगर इस इधर से भी भेजूँ तो क्या होगा, इधर से जाके निकल जाएगी कहाँ से, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है बेटा? थर्ड रूल देखो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से निकल जाएगी, फोकस से आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड जो था, देखो थर्ड रूल उसमें क्या पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है नहीं हमारे पास में, भाई हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वो निकलेगी किससे, इस ओ पॉइंट से, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है?
ठीक है बेटा, कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट होगी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, सीधी चली जाएगी, कहीं नहीं मुड़ेगी, कहीं कुछ नहीं होगा उसका, सीधी की सीधी चली जाएगी। जैसे इंसिडेंट होगी सीधी की सीधी वहां से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है बेटा, ये तीनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप कॉन्वेक्स ले लो, चाहे कॉनकेव ले लो, जिसके भी लिए आप बात करेंगे उसके लिए इन तीन रूल से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की ही बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, इमेज रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय फॉर द लेंसेज, या मैं बात करूं, अब हम बात करें पहला किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलो इधर देखेंगे सारे के सारे। फर्स्ट हम इसके अंदर केस लेते, देखो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बोला था कि कुछ मैं बनवाऊंगा और कुछ की प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। पहला जो पोजीशन है वो मैंने लिख दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। तो देखो कुछ यही डायग्राम काम में आ जाएगा, लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो पैरेलल आ रही है, पैरेलल आएंगी तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ मिल जाएंगी, वो एफ पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगी, रियल में मीट कर रही है ना लाइट रेज, तो आप लोगों को पूरा लिखना है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इज रियल, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। सेकंड, इमेज बन का रही है प्रिंसिपल फोकस पे, इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, और कैसी बन रही, पॉइंट साइज इमेज बन रही, मतलब इमेज फॉर्म्ड इज पॉइंट साइज इमेज। ठीक है बेटा, समझ आया। सेकंड हम बात करते हैं, देखो वहां पे भी इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी के बाद में अपन आए थे बियॉन्ड 2f, तो देखो यहां पे क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f के बियॉन्ड रखा हो, ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये हो गया हमारा लेंस, यहाँ पे मैंने बोल दिया F, और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास है 2F, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे, बियॉन्ड 2F रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा हमने यहाँ पे, लेट सपोज यहाँ पे, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हो रहा होगा हमारे पास में, ये हो गया F और ये हो गया 2F। तो लाइट रे कैसे चलेगी यहाँ से, पैरेलल लाइट रे चलेगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं इसको, लाइट रे कैसे चलेगी बेटा यहाँ से, पैरेलल लाइट रे चलेगी, और पैरेलल लाइट रे कहाँ चली जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद में, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइट रे हम पास करवा देते कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो ये चली जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी बनी है कि बिल्कुल टेढ़ी बनी है, इसको सीधा करते हैं हम, ठीक है बेटा। और यहाँ से जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहाँ होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास में इमेज बनेगी कहाँ पे,
इस पॉइंट पे आके इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश बन जाएगी। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है, इमेज हमारी क्या छोटी है, तो देखो पहली चीज क्या रियल और इन्वर्टेड होगी, इमेज फॉर्म्ड एज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां मैं स्केल पेंसिल यूज नहीं कर रहा हूं तो थोड़ा उसमें अलाइनमेंट आ सकता है, आप लोग स्केल पेंसिल से बनाएंगे तो वो प्रॉपर इमेज बनेगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या होगा बेटा, इमेज कहां पे बन रही है, एफ और 2F के बीच में, इमेज फॉर्म्ड इज इन बिटवीन एफ एंड 2F। ठीक है, थर्ड क्या होगा, इमेज छोटी होगी और ऑब्जेक्ट क्या होगा बड़ा होगा, मतलब इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से बनाना बेटा इसको, स्केल पेंसिल से जैसे बनाएंगे एकदम प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, 2F पे रखा हो, कहाँ पे रखा हो बेटा, 2F के ऊपर रखा हो, तो ध्यान से देखना। ठीक है, इधर आएगी नहीं तो मैं इसी को मिटा रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, 2F पे रखा हो। ठीक है, तीन मैं बनाऊंगा और बाकी तीन आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा। ठीक है, चलो थर्ड केस क्या है हमारा बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F, कहाँ पे रखो, 2F पे रखो। देखो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा F, और इधर की तरफ हमने कहीं बना दिया बेटा ये लो 2F। ध्यान रखना इसको भी इससे 2 सेंटीमीटर रखना और इनके बीच में भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर बनेगी। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए बी। ठीक है, लाइट रे चलेगी इससे पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से पास हो जाएगी, जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को भेजूंगा तो क्या होगा, जब लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से हम निकालेंगे पास करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि स्केल पेंसिल यूज़ करना है। ठीक है बेटा, स्केल पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनेंगी ही बनेंगी। ठीक है, ये हमारे पास में, इसको आगे बढ़ाओ, ये ए डैश, ये हो जाएगी बी डैश, कहाँ पे, 2F के ऊपर, सेम उसी तरीके से जैसे हम कॉनकेव मिरर के अंदर बना रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन रियल और इन्वर्टेड, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड हमारे पास में क्या होगा बेटा, इमेज कैसी है, कहाँ पे बन रही है, 2F पे बन रही है, इमेज फॉर्म्ड इज एट 2F। ठीक है, एंड थर्ड विल बी, थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास में बेटा, कैसी है, सेम साइज में, मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तीन केस मैंने बना के दिए हैं, बाकी तीन केस कौन से, जब वो F और 2F के बीच में हो, जब वो F पे हो और जब वो F और O के बीच में हो, इनको बनाएंगे आप लोग, रूल्स को फॉलो करते हुए चलना और इमेजेस बनती चली जाएंगी, बस स्केल पेंसिल का यूज करते हुए बनाना प्रॉपर तरीके से। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।